अब देखिए बेटा, सवाल नंबर अपना कौन सा है? 13 तो कर दिए ना अपने, हैं? अब है इसका सवाल नंबर 14। सवाल नंबर है 14। 14 में देखिए, ये चार, फिर ये कोष्टक चालू हो गया 2 - x, कोष्टक 1, और बराबर में है 8, बराबर में है 8। अब इसको ध्यान रखो बेटा, देखो ये कोष्टक के बाहर चार है ना, तो यहां कोई चिन्ह नहीं है, ये गुणा है। क्या है? गुणा। किससे? कोष्टक की दोनों संख्याओं से, कोष्टक की दोनों संख्याओं से। अब चार को पहले 2 से गुणा करो, 4 × 8, 4 × 8, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस है माइनस, चिन्ह पहले गुणा होगा, ये माइनस को बाहर, 4 किसका है? प्लस का। किसका है? पहले चिन्ह को गुणा करो, प्लस माइनस माइनस हो गया। 4 को एक्स से गुणा करो, 4x, 4 बराबर कितना है? 8। कितना है? 8 हो गया। अब देखो, अब करते हैं पक्षांतरण है। अब ये ध्यान रखना, ये अपनी जगह पर रहेगा, -4x रह गया, ये अपने स्थान पे 8। ये यहां कोई चिन्ह नहीं है, देखो कोई नहीं है ना, शुरू में है ना, तो ये किसका होता है? प्लस का। आगे जाके किसका हो गया? -4x = 8 में से 8 गया, क्या आ गया? x बराबर 0 - -4। 0 में 4 का भाग लगाएंगे, क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0 हो गया। अब देखिए सवाल नंबर है आपका 15। सवाल नंबर है 15। 15 में देखिए बेटा, 3 कोष्टक चालू n -5 कोष्टक बंद बराबर है 21, बराबर क्या है? 21। अब देखो ये कोष्टक के बाहर 3 है ना, तो 3 दोनों संख्याओं से बारी बारी से गुणा होगा, बारी बारी से गुणा होगा। अब ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो प्लस ही आएगा ना, 3 को n से करेंगे, 3n हो गया। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस है माइनस, प्लस माइनस है माइनस। 5 × 3 कितने हो गए? 15। बराबर कितने हो गए बेटा? 21। पक्षांतरण है, अब या लिखो यहां, या लिखो 3x = 21, अपने घर में है पहले। अब ये -15 चल के आएगा, आएगा ना, तो ये -15 आगे जाके किसका हो गया बेटा? प्लस का 15। या 3x = 21 और 15 कितने होते हैं? 36 हो गए। अब x के पास में, x के गुणा में 3 है ना, आगे जाके वो क्या करेगा? भाग लगाएगा, यहां गुणा में तो भाग लगाएगा, यहां भाग में होता था, आगे गुणा होता होता ना, भाग लगा दू, 1 × 3 = 36। x का मान कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 12। ठीक है। अब सवाल नंबर देखिए आपका 16। 4 16 नंबर में है, 4 बराबर 5 कोष्टक t - 2। अब आप इसकी सरलता के लिए आप ऐसे लिख लो, 5 कोष्टक t - 2 = 4। लिख लिया, सही सवाल बन गया ना आपका, बन गया ना। अब क्या करेंगे अपने, इस 5 को कोष्टक के अंदर वाली संख्या से बारी बारी से गुणा करेंगे, बारी बारी से गुणा करेंगे। पहले ये प्लस की है, ये प्लस की है, प्लस ही रहेगा ना, 5 को t से करेंगे, 5t, 5 है, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस है, 5 × 2 कितने हो गए? 10। बराबर कितने हो गए? पक्षांतरण है, पक्षांतरण है, आप 5t = 4, ये अपने घर में रहेगा, ये -10 चल के जाएगा, आगे जाते किसका हो गया? प्लस का। या 5t = कितने हो गए? 14। t = 14/5, टी का मान आ गया 14/5। 14/5 कितने नंबर सवाल था अपना?
सोलह, कितना बढ़ता है सोलह, हो गया। अब देखिए आपका सत्रह नंबर सवाल, कौन सा है सत्रह नंबर सवाल है आपका, जीरो बराबर सोलह प्लस चार, फिर कोष्टक है एम माइनस छ, हो गया। अब अपने सवाल को थोड़ा चेंज करके लिख लो, इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो, ये लिख देता हूं सोलह प्लस चार कोष्टक एम माइनस छ बराबर जीरो, इधर जीरो है इधर जीरो बराबर, अपने सवाल में चेंज तो नहीं किया ना, सही भी लिखा है, ठीक है। अब देखिए सोलह का सोलह प्लस, ये देखो इस कोष्टक के गुणा में कितना है चार, तो चार दोनों संख्याओं से गुणा होगा ना, ये एम भी प्लस का है चार भी प्लस का है, तो प्लस प्लस है प्लस, चार को एम से करेंगे चार एम, हो गया। ये माइनस का है ये किसका है प्लस, प्लस माइनस है छह चौका चौबीस बराबर क्या बेटा जीरो, हो गया। पक्षांतरण है करने पर, पक्षांतरण है, और चार एम तो यही छोड़ दो, ठीक है, बराबर क्या है जीरो है ना। अब इसको आगे ले जाओ, किसका था ये आगे जाके किसका हो गया बेटा, इसको आगे ले जाओ किसका था ये, यहां कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है, आगे जाके किसका हो गया, या चार एम बराबर प्लस के चौबीस है माइनस के सोलह है, तो घटाएंगे किसके बचेंगे प्लस के, ज्यादा प्लस के हैं किसके बचेंगे, कितने बच गए, अब एम बराबर आठ और चार आगे बाहर लगा देगा, एक चौक चौक दो चौका आठ, एम का मान कितना आ गया दो, हो गया।